नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। हम लोग कृष्णमूर्ति का चैप्टर अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, उनकी किताब सीरीज़ वन कमेंट्रीज ऑन लिविंग से। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मेरे हिसाब से, किसी और के लिए मुमकिन नहीं है हमको कुछ समझा सके, या हम खुद ही अपने आप समझ सकते हैं कुछ समझना हो तो। लेकिन किसी भी चीज़ को समझने में सामने वाले से बहुत हेल्प मिलती है। एक छोटी सी चीज़ देख लीजिए, आप अपनी लाइफ में देखिए, अगर कहीं आप जा रहे हैं, कहीं आप पहली बार जा रहे हैं और आपको रास्ता नहीं पता, आपके पास अगर रोड मैप है, फिर भी कुछ बारीकियां होती हैं जो वहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं, अगर उनसे आप मिल लें, उनसे बात कर लें, तो आपको गाइड कर लेते हैं। जाते हम खुद हैं, समझना हमको खुद ही होता है, लेकिन सामने वाले का गाइडेंस हमको हेल्प करता है। तो जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, वो वही लोग हैं जो लोग उस जगह जा चुके हैं और वहाँ से आ चुके हैं और हमको बता रहे हैं। तो उनकी जो बारीकियाँ हैं हमको बहुत हेल्प करती हैं। हमारे एक फ्रेंड है, वो पूछ रहे थे कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी दोस्त को समझना हो, कल हमने डिस्कस किया था ना, किसी को भी समझना हो तो हमको एक खास चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमारा एटीट्यूड। अगर हम किसी के लिए दुश्मनी के साथ जा रहे हैं, किसी के लिए हम मन में वैमनस्य या क्रोध के साथ जा रहे हैं, डर के साथ जा रहे हैं, तो उस आदमी को या उस सिचुएशन को समझना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन एक खास बात है जिसको हम जब किसी को समझना चाहते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिनसे डरते हैं या जिनके प्रति हमारे मन में बहुत गुस्सा होता है, उसको हम फटाक करके ख़त्म नहीं कर सकते। हम उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करके भी ख़त्म नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो जो रिएक्शन है बहुत दिनों का है, बहुत इकट्ठा है। और जब भी वो सामने वाला बंदा हमारे सामने आता है, तो हम उसको रिएक्शन को तुरंत ऑफ नहीं कर पाते। इसको ऑफ होने में टाइम लगता है, बिकॉज़ ये बॉडीली रिएक्शंस बन जाते हैं, हमारे शरीर के एकदम गहरे में से आने वाले रिएक्शन बन जाते हैं। इस कंडीशन में बेस्ट यही होगा कि उस बंदे को अगर उसको देखते ही आपके मन में डर आ रहा है, तो आप उसको अवॉइड करें। जी, अगर वो आपका फैमिली का मेंबर नहीं है, आपका दूर का कोई दोस्त है या कोई आदमी ऐसे ही जान पहचान का है, उसको केवल काम की चीज़ उसके साथ डील करें, अदरवाइज उससे दूर रहें। आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, आज बड़ी खास चीज़ कृष्णा जी समझाएंगे। इसको मैंने जनुगा में चूंकि इसको समझा है, इसको पढ़ा है, इसलिए मुझे बहुत हेल्प मिली है जनुगा से कृष्णा जी को समझने में। आज बड़ी खास चीज़ है, और जो कृष्णमूर्ति आज समझाएंगे हम लोगों को, ये देखने में तो लगेगा थियरी, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो ये प्रैक्टिकली आपको तभी समझ में आएगा जब इसको आप अपनी लाइफ में रोज़ 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 घुस के देखेंगे। क्योंकि जो भी कृष्णमूर्ति बताएंगे ना, वो उन सब रस्तों में जा चुके हैं और वहाँ से वापस आ चुके हैं। तो पेज नंबर 98, चैप्टर नंबर 41 अवेयरनेस का सेकंड वीडियो है आज ये। कृष्णा जी कह रहे हैं, द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्फ आर फ्राइटेनिंगली मोनोटोनस। ये जो हमारा ईगो है, ये जो सेल्फ है, इसके जो तरीके तौर तरीके हैं, बहुत ज़्यादा डरावने तरीके से मोनोटोनस हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मोनोटोनस मतलब एक ही जैसा, बोरिंग, एक जैसा, जिसको आप रोज 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 झेलते रहते हैं, फिर आप उससे बोर हो चुके रहते हैं। द सेल्फ इज अ बोर, कृष्णा जी कह रहे हैं, जो सेल्फ है, जो हमारा ईगो है, वो एकदम बोर है, एकदम पकाने वाला है। इट इज इंस्टिंक्टिकली अननर्विंग। इसका नेचर ही ऐसा है कि आपको परेशान कर देगा, आपके नर्व को, जैसे सर दुखता है ना तो लगता है कि हमारी नसें फट रही हैं, ऐसे ही आपका जो ईगो है वो नस फटाने वाला है, शरीर के रूप से आपको तकलीफ देने वाला है। पॉइंटलेस, इसका कोई पॉइंट नहीं है। आप कोई चीज़ बार बार सोचते रहेंगे, बार बार सोचते रहेंगे, बार बार फील करते रहेंगे, उसका कोई पॉइंट नहीं है। ये सब कृष्णमूर्ति ने ध्यान से देखा है, तब समझा है। बहुत से हमारे थॉट तुमको लगते हैं बहुत पॉइंट वाले हैं। फ्यूटाइल है, किसी काम का नहीं है हमारा जो सेल्फ, हमारा जो ईगो है। इट्स अपोजिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स, इट्स होप्स एंड फ्रस्ट्रेशंस, इट्स रियलिटीज एंड इल्यूजंस आर इनथ्रेलिंग। कमाल के हैं इसके, बोल रहे हैं कि एक ही टाइम पर दो चीज़ें, अलग अलग चीज़ें चाहता है। चाहता है कि हमारा, हम जिसको प्यार करते हैं हमारे पास भी रहे, जिसको हम चाहते हैं वो हमसे दूर भी हो जाए। अजीब वो गरीब है एकदम। इसको समझना इम्पॉसिबल है, समझना मतलब इसको, इसकी इच्छाएँ पूरी कर पाना इम्पॉसिबल है। इसकी रियलिटीज, जिसको सच मानता है, जिसको ये झूठ मानता है, पता नहीं किस किस चीज़ को, ऐसी चीज़ों को सच मानता है जो है ही नहीं, ऐसी चीज़ों को झूठ मानता है जो है। इट्स एक्टिविटीज लीड टू इट्स ओन वियरीनेस। और ये जो हमारा ईगो है, जो हमारा सेल्फ है, अगर इसके एक्टिविटीज़ के साथ रहते रहेंगे, आपका काम करते रहेंगे, तो ये आपको केवल
थकाएगा, वियरीनेस कर देगा, आपकी बॉडी और माइंड पूरी तरह से थकते रहेंगे। द सेल्फ इज एवर क्लाइंबिंग एंड एवर फॉलिंग डाउन, एवर परस्यूइंग एंड एवर ब्रिंगिंग फ्रस्ट्रेटेड, एवर गेनिंग एंड एवर लूजिंग। खत्म ही नहीं होता इसका। हमारा जो ईगो है या जो हमारा सेल्फ है, उसके जो तरीके हैं वो हमेशा ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे जाएगा, दौड़ेगा, जीतने की कोशिश करेगा, फिर हारेगा, फिर जीतेगा, फिर हारेगा, यही चलता रहता है। एंड फ्रॉम दिस वियरी राउंड ऑफ फ्यूटिलिटी इट इज एवर टाइपिंग टू एस्केप, ट्राइंग टू एस्केप। और यही जो थकावट आता है इससे जीतने हारने की कोशिश भी करता रहता है और इससे भागने की भी कोशिश करता रहता है, एस्केप्स भी हो जाते हैं उसके, क्योंकि थकता है अपनी कोशिशों में, हमारा ईगो थकता है इसलिए वो भागता है, एस्केप करने की कोशिश करता है। और किस तरीके से एस्केप करता है ये कृष्णमूर्ति ने देखा होगा कि ये भी एक तरीके का एस्केप है। इट एस्केप्स थ्रू आउटवर्ड एक्टिविटीज और थ्रू ग्रेटिफाइंग इल्यूजन्स। या तो बाहर कुछ करके वो अपने आप को एस्केप कराता है, या अंदर के इल्यूजन्स के जरिए अपने आप को एस्केप कराता है। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे थ्रू ड्रिंक्स, सेक्स, रेडियो, बुक्स, नॉलेज, अम्यूजमेंट्स एंड सो ऑन। भाई गाने हैं, फिल्म्स हैं, म्यूजिक है, ये सब चीज़ें क्या है? अपने आप अपने बोरिंग माइंड्स को एस्केप करने के तरीके हैं। बुक्स भी एस्केप करने के तरीके हैं, अगर आप बोर होने से बचने के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं मना करता हूँ बहुत से लोगों को कि, इसलिए मैं तो कृष्णमूर्ति को प्रेफर करता हूँ बजाय ओशो, क्योंकि वो एक टाइम के बाद वो एस्केप हो जाते हैं। नॉलेज और अम्यूजमेंट भी एस्केप है, हम अपने आप को किताबी नॉलेज से भी अम्यूज करते हैं, खुश होने के लिए पढ़ते हैं, तो वो भी एस्केप है। इट्स पावर टू ब्रीड इल्यूजन इज कॉम्प्लेक्स एंड वास्ट। और ये जो हमारा माइंड है ये कितने तरीकों से इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है, भ्रम क्रिएट कर सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। इसकी बहुत बड़े मतलब ये बहुत काबिल है इसमें इल्यूजन्स पर बनाने में। दीज इल्यूजन्स आर होम मेड, सेल्फ प्रोजेक्टेड। ये कहीं बाहर से नहीं आते इल्यूजन्स, हमारे ही मन में से आते हैं, इसको हम खत्म भी कर सकते हैं। सेल्फ प्रोजेक्टेड होते हैं, हमारे अंदर से निकल के आते हैं। दे आर द आइडियल, द आइडोलैट्रस कॉन्सेप्शन ऑफ मास्टर्स एंड सेवियर्स, द फ्यूचर एज मीन्स ऑफ सेल्फ एग्रेडाइजमेंट्स एंड सो ऑन। ये जो इल्यूजन्स हैं ये भी कमाल के हैं। हम जब काल्पनिक मास्टर्स को भरोसा करना शुरू करते हैं, जब हम अपने आप को आइडियोलॉजी में खूब खोने की कोशिश करते हैं, आइडियोलॉजी मतलब जो परफेक्ट चीज़ हमारे मन में है कि ऐसा होना चाहिए, ये सब क्या है? अपने आप को ही बड़ा बनाने की कोशिश करना अपनी कल्पना में। जो भी हमारी रियलिटी है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हम बोरिंग लगती है, वही वही रूटीन लाइफ, तो हमको लगता है हम कुछ और बड़ा करें। इसलिए तो लोग बड़ा होने की कोशिश करते हैं, इसलिए तो लोग एम्बिशन पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम बहुत फेमस बन जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो हमारी लाइफ बदल जाएगी, जबकि बदलती नहीं है। रूटीन लाइफ, एक चाहे कोई बहुत करोड़पति आदमी हो या कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो या कोई भी आदमी हो, उसकी रूटीन लाइफ ठीक वैसी होती है जैसे एक आम आदमी की लाइफ होती है, केवल चीज़ें बदलती हैं बस। It is trying to escape from its own monotony. The self pursues inwards and outward sensations and excitements. ये जो भागने की कोशिश करता है वो पता है करता क्या है? वो अंदर के और बाहर के sensations को खोजने की कोशिश करता है। जब आप हमको लगता है ना कोई बहुत बड़ा आदमी आया उससे जाके मिल लें, तो उस बड़े आदमी को तो आप टीवी में भी देखते रहते हैं, उस बड़े आदमी की बातें तो आप टेलीविजन में और न्यूज़पेपर में भी देखते रहते हैं, उसको मिलने का क्या चीज़ है? वो सेंसेशन है, वो लगता है कि ये आंखें उसकी रियलिटी को देख लेंगी, लेकिन वो सेंसेशन को खोजता है, एक्साइटमेंटमेंट को खोजता है। एंड दीज आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर सेल्फ एब्निगेशन। और ये सब पता है क्या है? अपने आप को भुलाने के तरीके बस। एंड इन द सब्स्टिट्यूशन इट होपफुली ट्राइज टू गेट लॉस्ट। और ये बेचारा सोचता है कि हम इसी में खो लें अपने आप को, हम इस फ्रस्ट्रेशन में अपने आप को कम से कम भुला दें। इट ऑफन सक्सीड्स। और बहुत बार अपने आप को भुला भी देता है। बट द सक्सेस ओनली इंक्रीजेज इट्स ओन वेरीनेस। लेकिन जब अपने आप को भुलाने में सक्सेसफुल हो जाता है उसमें भी बेचारा थक जाता है। इट परस्यूज वन सब्स्टिट्यूट आफ्टर अनदर, ईच क्रिएटिंग इट्स ओन प्रॉब्लम, इट्स ओन कॉन्फ्लिक्ट एंड पेन। और ये पीछे खोजता रहता है, एक हटा करके दूसरी चीज़ को खोजेगा, दूसरी से तीसरी चीज़ को खोजेगा, और इससे पता है क्या होता है? पेन और कन्फ्लिक्ट ही आते हैं। हम लोग एक्चुअली देख नहीं पाते कि हमारी ही एक्टिविटीज़ में से पेन और कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। मैंने देखा है, बहुत से लोगों को देखा है, वो प्यार मोहब्बत में जाते हैं, अलग अलग टाइप के नौकरियों में जाते हैं, अलग अलग टाइप के अपने किसी किसी चीज़ में घुसते हैं हॉबीज़ के फॉर्म में, लेकिन वहाँ पर भी वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, परेशान होते हैं।
लोग बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ मीनिंग हो, लेकिन फिर बच्चों को, बच्चों की वजह से अपने एम्बिशंस को किस को जोड़ करके फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो जो भी तरीके से हम अपने आप को खोने की कोशिश करते हैं, वो देख नहीं पाते हम कि ये भी केवल हमको थका ही रहा है। ये जो अपने आप को खूब खोने का मतलब, कृष्णमूर्ति याद दिला रहे हैं कि अपने आप को ऐसे छोड़ करके चलेगा नहीं। अगर हमने अपने शरीर के ऊपर अपने आप को छोड़ दिया, अपने सेल्फ को, अपने ईगो को छोड़ दिया, होने दिया जो हो रहा है होने दो, अगर वैसा कर देंगे तो भी इससे ये सोल्यूशन है नहीं। सेल्फ फॉरगेटफुलनेस इज सॉट विद इन एंड विदाउट। ये हमेशा खोजती है हमारी बॉडी कि किसी तरह से अपने आप को भूल जाए, क्योंकि तकलीफ है ना, माइंड में दुख तकलीफ है, बॉडी में तकलीफ है, दर्द है, इसलिए अब अपने आप को भूलना चाहते हैं। सम टर्न टू रिलीजन, और इसकी वजह से कुछ लोग रियलिटी को जानने के लिए नहीं, क्योंकि बट अपने आप को भुलाने के लिए कुछ लोग रिलीजन की तरफ चले जाते हैं। एंड अदर्स टू वर्क एन एक्टिविटी, और बाकी लोग खेल कूद में या किसी और एक्टिविटी में, काम में अपने आप को भुलाने की कोशिश करते हैं। बट देर आर नो मीन्स फॉर फॉरगेटिंग द सेल्फ, लेकिन खुद को कैसे भूलोगे आप, खुद अपने ईगो को कैसे भूल सकता है कोई आदमी। द इनर और आउटवर्ड नॉइज कैन सप्रेस द सेल्फ, बट इट सून कम्स अप अगेन इन डिफरेंट फॉर्म अंडर डिफरेंट गाइज। हम अंदर के और बाहर के शोर में, भाई जब भी आप किसी के साथ मिलते हैं, कोई एक्साइटमेंट में, किसी किसी भी इन्जॉयमेंट की एक्टिविटी में या दुख की एक्टिविटी में जब अपने आप को खो देते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी बार बार हमको याद दिलाता है, हमारे सेल्फ हमको बार बार नीचे से निकल के आता है और याद दिलाता रहता है। बट इट सून कम्स अप अगेन डिफरेंट फॉर्म्स, फॉर वॉट इज सप्रेस्ड मस्ट फाइंड रिलीज। क्योंकि जो चीज़ भी आप दबाएंगे उसको रिलीज तो चाहिए, उसको तो बाहर आना ही है ना। इसलिए किसी भी चीज़ को दबा करके हम सोचे कि नहीं छोड़ दो इसकी, इसके बारे में सोचो ही मत, तो उससे भी काम नहीं चलता। क्या आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ है जो आपने दबा दिया हो और उससे डर रहे हो उसको निकलने से? सेल्फ फॉरगेटफुलनेस थ्रू ड्रिंक और सेक्स, थ्रू वर्शिप और नॉलेज मेक्स फॉर डिपेंडेंस। और अगर आप अपने आप को पूजा पाठ के जरिए या सेक्स के जरिए या किसी और तरीके से भुला रहे हैं तो उसमें एक खास तरह की प्रॉब्लम आती है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंस। फिर आपको वो नशे की तरह चाहिए होता है। एंड दैट ऑन विच यू डिपेंड क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। और जिस चीज़ पर आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है, जिस चीज़ का आपको आदत पड़ जाता है, वो भी अपनी एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इफ यू डिपेंड फॉर रिलीज, फॉर सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, फॉर हैप्पीनेस ऑन ड्रिंक और ऑन मास्टर, दे बिकम योर प्रॉब्लम। अगर आप चाहे शराब के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने आप को भुलाने के लिए, तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। और अगर आप किसी मास्टर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कोई गुरु है जिसकी वजह से, जिसको प्रेजेंस में आप अपने आप को भुला देते हैं, तो वो भी, उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। हैं भाई, अगर वो आदमी आपके हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा है तो, या उसने आपको अपना डिसाइपल मानने से मना कर दिया तो, या उसने आपसे ऐसी कोई एक्टिविटी बोल दी जो आप नहीं मानते हैं सच, तो डिपेंडेंस ब्रीड्स पोसेसिवनेस, एनवी, फियर एंड फियर एंड ओवरकमिंग ऑफ इट बिकम्स एन एंग्शियस प्रॉब्लम। अभी ये आदमी आया था ना कृष्णा जी के पास, आया था कि मुझे सेक्स की बहुत बड़ी ज़्यादा खुराक है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं कि जिस चीज़ के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं उसकी वजह से पोसेसिवनेस आता है, आपके अंदर में इकट्ठा करने का मन करता है, उसको पकड़ कर अपने पास रखने का मन करता है। और अगर वो चीज़ आपके पास नहीं आती, किसी और के पास जाती हो, तो उसकी वजह से ही जेलसी आती है, एनवी आती है, डर आता है। और जब डर लगता है तो उसको, डर को ख़त्म करने के लिए आप इंतजाम करते हैं, और वो भी, उसके भी अपनी एंग्शियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि डर को ख़त्म करने के लिए आप बड़े परेशान होते हैं। तो ये सब चीज़ें किस तरह से एक दूसरे से लिंक हैं, इसको देखने के बजाय हम केवल उस एक लिंक से दूसरे लिंक पे भागते रहते हैं। इन सर्च फॉर हैप्पीनेस वी क्रिएट प्रॉब्लम, और अपने आप को खुश करने के चक्कर में हम अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स बनाते रहते हैं। एंड इन देम वी गेट कॉट, और उसी में हम खो जाते हैं। मैंने देखा है मेरी लाइफ में बहुत इंटेलिजेंट लोगों को, इंटेलिजेंट मतलब बहुत पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है, जो कि ढेर सारी प्रॉब्लम्स में, जो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स, जो रियलिटी में अभी उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन भविष्य की प्रॉब्लम को लेकर के अभी से परेशान है। आपके भी लाइफ में बहुत सी भविष्य की परेशानी होगी, लेकिन जो भविष्य की परेशानी है वो एक्चुअली है नहीं, वो आपकी सेल्फ है, वो आपकी ईगो है, वो आपकी कल्पना है जो कह रही है कि ऐसा हो। तो क्योंकि लाइफ हमेशा नॉन लीनियर होती है, वो वैसी होती नहीं जैसे आप कल्पना करते हैं। थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए, जैसा आपने सोचा था वैसा हुआ है कल, 24 घंटे पहले जो आपने आज के लिए बारे में सोचा था, या कुछ सोचा था हुआ है, या 10 साल पहले आपने जो सोचा था, मैंने तो कभी कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था, जो भी सोचा वैसा हुआ ही नहीं आज तक। तो जो भविष्य के बारे में हम और आप कल्पना कर रहे हैं वैसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हमारा जो सेल्फ है, हमारा जो ईगो है, वो सोच सोच के परेशान होता रहता है।
वी फाइंड अ सर्टन हैप्पीनेस इन सेल्फ फॉरगेटफुलनेस ऑफ सेक्स एंड सो वी यूज इट एज अ मीन्स टू अचीव वॉट वी डिजायर। सेक्स में हम कुछ देर के लिए अपने आप को भुला देते हैं, इसीलिए हम बार बार सेक्स में जाते हैं ताकि हम अपने आप को भुला सकें। कृष्णा जी उसको समझा रहे हैं, अगर आपकी भी प्रॉब्लम सेक्स है या सेक्स की ओवर एपेटाइट है तो ये आपके लिए भी सच है। हैप्पीनेस थ्रू समथिंग मस्ट इनवेरिएबली बिगेट कॉन्फ्लिक्ट फॉर देन द मीन्स इज वास्टली मोर सिग्निफिकेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन हैप्पीनेस इटसेल्फ। किसी भी चीज़ से अगर हमको खुशी मिल रही है, अगर कोई भी चीज़ है जो कि हमको खुशी दे रही है, तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारी खुशी से। इसको थोड़ा समझना होगा। अगर मान लीजिए मैं वॉक कर रहा हूँ और मुझे वॉक करने से खुशी मिल रही है, और फिर मैं रोज़ डिसाइड करना शुरू कर दूँ कि मुझे इस टाइम पर जाना ही है, और एक दिन कोई इमरजेंसी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से मेरा वो वॉक छूट जाए, तो मैं उस ये नहीं सोच पाऊँगा कि मुझे हो सकता है इसको ये खुशी किसी और तरीके से मिल सकती है। मुझे इस चीज़ का टेंशन होना शुरू हो जाता है कि मेरा वॉक छूट रहा है। तो जिस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, कोई सेक्स है या ड्रिंक है, अगर आपसे वो छूट रही तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी जो खुद का अंदर से एक्सपीरियंस है, जो खुशी है। इफ आई गेट हैप्पीनेस थ्रू ब्यूटी ऑफ दैट चेयर देन द चेयर बिकम्स ऑल इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई मस्ट गार्ड इट अगेंस्ट अदर्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कृष्णा जी। मान लीजिए आपकी कोई फेवरेट चेयर है जो आपने बड़े मंथन से रुपए पैसे इकट्ठे करके खरीदी, कृष्णा जी के पास कोई चेयर रखी होगी उसी के बारे में बोल रहे हैं। मान लीजिए चेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको बड़ी खुशी मिलती है, तो आप उसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी रखोगे, उसको बचाने की कोशिश करोगे, टूटेगा तो उसको रिपेयर कराने की कोशिश करोगे। इन दिस स्ट्रगल द हैप्पीनेस विच आई वंस फेल्ट इन द ब्यूटी ऑफ द चेयर इज अटरली फॉरगेटन लॉस्ट एंड आई एम लेफ्ट विद द चेयर। और उस चेयर को बचाने के चक्कर में, उसको सेफ रखने के चक्कर में, उसको खूबसूरत रखने के चक्कर में जो मुझे आनंद आता था वो भूल जाते हैं, बिकॉज अब मेरी एक टेंशन हो गई, मेरा एक काम हो गया कि किस तरह से उस चेयर को संभाल के रखें। इन इटसेल्फ द चेयर हैज़ लिटिल वैल्यू। अपने आप में कुर्सी का कोई वैल्यू नहीं है, वो तो जर्जर है, वो कुछ दिन बाद टूट के ख़त्म हो जाएगी। बट आई हैव गिवन इट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू। लेकिन मैंने उसको अपने मन से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू दे दिया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया है। फॉर इट इज़ द मीन्स बाई विच आई हैव हैप्पीनेस, सो द मीन्स becomes a substitute for happiness। क्योंकि मुझे उस चीज़ से खुशी मिलती है, इसीलिए मैंने उसको अपने माइंड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे दिया है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ मैं कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़, वो थॉट जो आपके मन में बार बार आ रहा है जिसको पूरा हो जाए, या प्रेजेंट मोमेंट जो आपको अननोन में ले जा सकता है, मिस्टिकल वर्ल्ड में ले जा सकता है, आपके अपने सेल्फ के पास ले जा सकता है। कृष्णा जी की बड़ी खास हैबिट थी, मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले ये कवर कर लूँ। तो जिस चीज़ को भी, जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, अगर मैं उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानना शुरू कर देता हूँ, अपनी खुशी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे उससे खुशी मिल रही है, तो हम लोग एक अलग परेशानी में घुस जाएंगे, और वो है कैसे उस चीज़ को बचाएं, उस चीज़ को रखें अपने पास। अगर हम किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं जिस चीज़ से हमको खुशी मिलती है, तो क्या होता है पता है? When the means of my happiness is a living person, और अगर मुझे किसी एक आदमी से, भाई सेक्स में आपको दो लोग रहेंगे, आप रहेंगे और आपका लिविंग पार्टनर, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे ना शादीशुदा हो, आपका लाइफ पार्टनर ना हो, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी, तो अगर कोई आपकी खुशी किसी और इंसान से आती है, then the conflict and confusion, the antagonism and pain are far greater। तो कुर्सी तो ठीक है, आप दूसरी ला भी सकते हैं, लेकिन अगर वो इंसान है तब ये जो परेशानियां होती हैं, जो ये अंदर अंदर में दुविधाएं होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा होती हैं एक नॉन लिविंग थिंग के कंपैरिजन में। इफ रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन मियर यूसेज, अगर आपको किसी सामने वाले से खुशी मिल रही है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर वही आपकी रिलेशनशिप का बेस है, इज़ देयर एनी रिलेशनशिप, तो क्या सचमुच में आप में और उसमें कोई रिलेशनशिप है? Except the most superficial between the user and the used, केवल सबसे ऊपरी, सबसे ऊपर ऊपर का रिलेशनशिप ये होता है यूज़र और यूज्ड का। जैसे कोई सामान को आप यूज़ करते हैं तो आप सामान से बहुत अटैच नहीं होते, वो आप तभी तक आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है जब तक वो ठीक ठाक हो, जैसे उसका यूज़ नहीं होता आप उसको उठा के फेंक देते हैं। लेकिन एक लिविंग बींग से या लाइफ से या किसी भी चीज़ से अगर आप इस तरह से जुड़े हैं यूज़र और यूज़ के तरीके से, तब कोई रिलेशनशिप आप में और उसमें है नहीं। If I use you for my happiness, I am
रियली रिलेटेड टू, एम आई रियली रिलेटेड टू यू? अगर मैं आपसे अपने आपको खुशी पाता हूँ और इसलिए मैं आपसे बहुत जुड़ाव महसूस करता हूँ, तो क्या मैं सचमुच में आपसे रिलेटेड हूँ? रिलेशनशिप इम्प्लाइज कम्युनियन विथ अनदर ऑन अ डिफरेंट लेवल्स. रिलेशनशिप का मतलब है किसी के साथ बहुत गहरा जोड़, केवल फिजिकल लेवल पे नहीं और भी गहरे लेवल पे. एंड देयर इज कम्युनियन विथ अनदर व्हेन ही इज ओनली अ टूल, अ मीन्स ऑफ माय हैप्पीनेस. और क्या कम्युनियन पॉसिबल हो पाएगा, वो गहरा जुड़ाव किसी के साथ पॉसिबल हो पाएगा अगर केवल हम उसको यूज करना चाहते हैं किसी एक औजार की तरह, एक टूल की तरह, अपनी खुशी का टूल. इन दस यूजिंग अनदर, एम आई नॉट रियली सीकिंग आइसोलेशन आई कॉल रिलेशनशिप? और अगर हम सामने वाले को केवल यूज करना चाहते हैं तो हम अकेले पड़ते जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए पूरी दुनिया औजार होगी. हम किसी के साथ सचमुच में जुड़ नहीं पाएंगे, हम आइसोलेशन में जाएंगे. ये बड़ी अजीब चीज़ कृष्णा जी याद दिला रहे हैं, क्योंकि पता नहीं हमको, आपको लगेगा भाई किसी से जब हम प्यार करते हैं, कोई हमारे पास रहता है, वो हमसे खुशी पाता है, हम उससे खुशी पाते हैं, तो हम लोग दो लोग हो जाते हैं, हमारी दुख और सुख हमसे बढ़ जाते हैं. लेकिन जैसे ही हम किसी को सुख और दुख की वजह से ही प्यार करते हैं तो हम अकेले पड़ जाते हैं. आप देखिए, वो आदमी जिसको आप पकड़ के अपने पास रखना चाहते हैं, वो जैसे ही आपके पास नहीं रहेगा, आप अकेलापन महसूस करेंगे. आप वैसे नहीं अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्यार में पड़ेंगे और यूज़ वाले प्यार में, कि जिसकी वजह से आपको खुशी मिलती है, जब वो नहीं होगा आपके पास, आपको डर लगेगा, दुख होगा. तो उसमें क्या हो रहा है, वी आर सीकिंग सेल्फ आइसोलेशन इन विच आई थिंक आई शैल बी हैप्पी. द सेल्फ आइसोलेशन आई कॉल रिलेशनशिप, बट एक्चुअली देर इज नो कम्युनियन इन दिस प्रोसेस. इसी सेल्फ आइसोलेशन को हम लोग रिलेशनशिप बोलते हैं. इसमें कोई रिलेशनशिप होता नहीं है, कोई कम्युनियन होता नहीं है हमारा उसका. कम्युनियन कैन एग्जिस्ट ओनली व्हेन देर इज नो फियर. ये फियर नया चीज लेकर आ गए कृष्णा जी, कि दो लोगों के बीच में कम्युनियन या किसी भी चीज में कम्युनियन तभी हो सकता है जब डर ना हो. एंड देर इज गॉनिंग नॉइंग फियर एंड पेन वेयर देर इज यूसेज एंड सो डिपेंडेंस. लेकिन जहां पर हम किसी को यूज करते हैं सेक्स के लिए या प्यार के लिए, वहां पर डिपेंडेंस होती है और वहां पर बहुत ज्यादा डर होता है, तकलीफ होती है. As nothing can live in isolation, the attempts of the mind to isolate itself leads to its frustration and misery. और कोई भी चीज़ दुनिया में isolation में अलग होकर के अकेले रह नहीं सकती, इसीलिए हम misery महसूस करते हैं उस अकेलेपन में. अकेलेपन हमारे लिए conducive है नहीं. To escape from the sense of incompleteness, और चूंकि हम अकेलापन महसूस करते हैं, we seek completeness in ideas. उसके बाद हम ideas में चले जाते हैं अपने आप को complete करने के लिए. In people, in things, and so we are back again where we started in the search of substitutes. और चूंकि एक आदमी से हम प्यार कर रहे हैं, उसकी वजह से डर है, तो हम चीज़ों में घुस जाते हैं, आइडियाज़ में घुस जाते हैं, और फिर वही चक्कर फिर से चालू हो जाता है. मैं जब कृष्णा जी की बायोग्राफी पढ़ रहा था तो उसमें कुछ लोगों का जिक्र आया है कि कुछ लोगों के ऊपर जब कृष्णा जी को ये फीलिंग आती थी कि वो डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, उनकी प्रेजेंस में उनको अच्छा लगने लगा है, जब वो जाते हैं तो उनको बड़ा अजीब सा लगता था, नेगेटिव होता था, जैसे डेविड बोम थे एक, तो उनके साथ जब उनको ऐसी फीलिंग आई तो अपने आप को काट देते थे, वो एकदम काट देते थे. वो अपने आप को किसी भी ऐसे इंसान के साथ या ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ते नहीं थे जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाते थे. ये ठीक ऐसे ही जैसे हम और आप शराब से अपने आप को काट दें. मैंने, मुझे याद नहीं, शायद मैंने कभी पिया भी नहीं है, या सिगरेट भी मैंने कभी पिया नहीं, लेकिन मैं अपने आप को काट के रखता हूँ, दूर रखता हूँ ऐसी चीज़ों से. तो जिस चीज़ से डिपेंडेंसी होती है उस चीज़ से अपने आप को काटना होगा. लेकिन पता कैसे चलेगा कि हम डिपेंडेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बाय द टाइम हम लोग डिपेंडेंट होते हैं हम तो भूल ही चुके रहते हैं. इसलिए अवेयरनेस का जो जादू है वही हेल्प करता है हमको डिपेंडेंसी को खोजने में. अवेयरनेस बहुत गहरा टूल है. प्रेजेंट में रहने में चीज़ें आपको रिवील होती हैं. अब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब हम लोग इसका कंप्लीशन को समझेंगे. दोस्तों, हम लोग ढेर सारी अलग अलग टाइप की बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स को और बिजनेस की बुक्स को और डिसीजन मेकिंग की बुक्स को हम लोग वीडियो फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सपीरियंस के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं. वो सारी बुक सीरीज़ आप प्राइम के ज़रिए देख सकते हैं. उसकी एक साल की फ़ीस लगती है. आप नीचे नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. इसके अलावा हम लोग स्पिरिचुअलिटी का ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं, जिसमें कि आपको मैं पर्सनली गाइड करता हूँ जनों का समझने में और उसको प्रैक्टिस करने में. तो वो 2 साल का प्रोग्राम होता है. आप चाहें तो उसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, 4-5 महीने में भी कवर कर सकते हैं. तो
तो जेनोका बेसिक कोर्स के नाम से हम कराते हैं। और एक हमने अभी नया चालू किया है, उसको बोलते हैं एंटी फ्रेजाइल बिजनेस बेसिक कोर्स, जिसमें कि आपको बिजनेस की से रिलेटेड जितने भी डिसीजन मेकिंग्स होते हैं उसको समझने में हेल्प होगी इस कोर्स के ज़रिए। तो आप हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। अभी बहुत जल्दी हम लोग एक पेरेंटिंग की कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, अभी स्टार्ट नहीं किया है, बहुत जल्दी करने वाले हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दैट। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।